जस्टिस लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई पर आज अपनी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने और सुधार से संबंधित सिफारिशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सेलेक्टर रखे जाने की अनुशंसा को दरकिनार करते हुए 5 सेलेक्टर नियुक्त किए गए। साथ ही पैनल ने यह भी कहा कि बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारियों यानी टॉप बॉस को हटा दिया जाए और क्रिकेट प्रशासक नियुक्त किए जाएं। और सुप्रीम कोर्ट के 18 जुलाई के आदेश के बाद बीसीसीआई के जो फैसले सिफारिशों के विपरीत लिए गए हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। कमेटी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि वह खुद सीधे हो जाएं वरना कोर्ट को आदेश के जरिए उन्हें सीधा करना पड़ेगा। वहीं कोर्ट ने बीसीसीआई को जवाब दाखिल करने के लिए 6 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। लोढ़ा समिति बीसीसीआई से काफी नाराज है। आपको बता दें कि वर्ष 2013 के आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के नेतृत्व में पैनल का गठन किया था, जिसके बाद इसी साल 18 जुलाई को पैनल ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें बीसीसीआई में सुधार के लिए कई बदलाव की सिफारिश की गई थी। देखते रहिए डीबी लाइव।